लीजिए हार्पिक बाथरूम क्लीनर, पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। देखिए कैसे टीवी एड्स वाले आपको बेवकूफ बनाते हैं। पिज्जा, बर्गर, केक, आए हाय, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। लेकिन किंतु परंतु मेरे दोस्तों, टीवी एड्स में दिखाई जाने वाली ये चीजें जितनी स्वादिष्ट लगती है ना, इनके पीछे का सच उतना ही कड़वा है, जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फिर चाहे स्वादिष्ट सा दिखने वाला पिज्जा हो या फिर बालों को खूबसूरत बनाने वाला शैम्पू, हर एक चीज आपको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है, या फिर अगर सच कहें तो आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट के जरिए बेवकूफ बनाया जाता है। रोबोट से लेकर स्टाइलिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर से लेकर डायरेक्टर, पूरी की पूरी टीम आपको और हमें उल्लू बनाने में लगी रहती है। और ये सब कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो पिज्जा पर नजर डालिए, क्योंकि भर भर के चीज में भिगोया गया ये पिज्जा देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि आपका भी पिज्जा खाने का मन कर गया होगा। अरे भाई, करेगा भी क्यों नहीं। ये पिज्जा इतना ज्यादा स्वादिष्ट जो दिखाई दे रहा है कि कोई भी अपनी लार टपकाने लगे। लेकिन इस पिज्जा को खाने के बारे में गलती से भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। इसकी एक बाइट तो दूर की बात है, आप इसे मुंह से टच भी नहीं कर सकते, वरना इसमें लगे स्क्रू आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप खुद देखिए कि कैसे स्क्रू को पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जा रहा है, जिससे ऊपर लगाए जाने वाले टॉपिंग्स और ज्यादा उभर कर बाहर दिखाई दे रहे हैं। जितना ज्यादा ये उभर कर और शानदार दिखाई देंगे, उतना ज्यादा इसे देखकर आपकी और हमारी जीभ लपलपाएगी और हम इसे खरीदने पहुंच जाएंगे। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। ये जो ऊपर तक आता हुआ चीज आप देख रहे हैं ना, वो तो और ही नेक्स्ट लेवल का है, जो कि चीज नहीं बल्कि फेविकॉल है, जिससे पिज्जा को चिपकाकर आपको और हमको ऐसे चूना लगाया जाता है कि भाई क्या ही बताएं। जंक फूड की बात आती है तो भला बर्गर को कौन भूल सकता है, फिर चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हर कोई इसे बड़े चाव से खाता है। लेकिन टीवी एड्स में चीटिंग करने के मामले में ये बर्गर बनाने वाले ब्रांड भी कुछ कम नहीं है। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि बर्गर एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन जब इनको खाने जाओ तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल होता है। जनाब, टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाने वाले बर्गर किचन में नहीं बल्कि स्टूडियोज में बनाए जाते हैं, और इन्हें टूथपिक के सहारे खड़ा करके बड़ा दिखाया जाता है। और ऐसा सिर्फ बर्गर ही नहीं, इनके साथ मिलने वाले फ्राइज के साथ भी होता है। जिस तरह फिल्म और टीवी शोज वगैरह में मॉडल्स को बढ़िया दिखाने के लिए ड्रेसर्स और स्टाइलिस्ट होते हैं, ठीक उसी तरह फूड आइटम को भी बढ़िया दिखाने के लिए स्टाइलिस्ट और ड्रेसर्स मौजूद होते हैं, जो खाने को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं कि देखकर ही इंसान इसकी तरफ खींचा चला आए। लेकिन जब इसकी सच्चाई पता चलती है तो किसी के मुंह में पानी आए ना आए, लेकिन उल्टी जरूर आने लग जाएगी। जहां बर्गर के कमर्शियल्स में नजर आने वाला मीट पैटी को ग्रिल भी नहीं किया जाता, उल्टा उसके ऊपर जूते साफ करने वाला पॉलिश लगाकर उसको ऐसा कलर देते हैं जिसे देखकर लगे कि इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती। रही सही कसर अगर रह जाती है तो ऊपर से बर्गर को जूसी दिखाने के लिए आगे वाले हिस्से में सिरिंज से केचप और बाकी चीजों का छिड़काव करके उसको पूरा भिगो दिया जाता है। बाकी इन कमर्शियल्स को और ज्यादा शानदार दिखाने के लिए रोबोट्स और स्पेशल इफेक्ट तो हैं ही, जो इन टीवी एडवर्टाइजमेंट में जान डाल देते हैं। अब शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे केक पसंद ना हो। बर्थडे से लेकर न्यू ईयर तक हम हर मौके पर केक को काट कर सेलिब्रेट करते हैं, और कभी कभी तो ऐसे ही इसका स्वाद भी चखने बेकरी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन टीवी कमर्शियल्स में तो इसे एक अलग ही लेवल का स्वादिष्ट दिखाया जाता है, और ऐसा करने के लिए वो लोग ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि सोचकर ही इंसान के होश उड़ जाएं। क्योंकि ये जो खूबसूरत और स्वादिष्ट सा दिखने वाला केक आप देख रहे हैं ना, इसे देखकर तो किसी का भी इसको खाने का मन कर जाएगा। पर जब आप इसको खाने जाएंगे तो आपके मुंह में केक आए ना आए, लेकिन कार्डबोर्ड और फेविकॉल जरूर आएगा, जिसके बाद आप केक के नाम से दूर भागने लगेंगे। पर अब बेचारे टीवी एडवर्टाइजमेंट वाले करें तो करें क्या, ओरिजिनल केक से ज्यादा तो ये कार्डबोर्ड वाला केक इतना खूबसूरत लगता है कि लोग बेवकूफ बन जाते हैं। और ठीक ऐसे ही तरकीब पैनकेक्स के साथ भी अपनाई जाती है, जिनके बीच में कार्डबोर्ड डालकर उन्हें बड़ा तो दिखाई जाता है, ऊपर से फ्लेवर्ड सिरप नहीं बल्कि पेट्रोल डालकर इसकी खूबसूरती को निखारने का काम किया जाता है। अब दोस्तों, भला पीना किसको नहीं पसंद है, फिर चाहे दारू हो या कोक, जब बात पीने की आती है तो लोग कुछ भी कर जाते हैं, खास करके दारू पीने वाले लोग। पर अगर आप टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाने वाली ड्रिंक्स को देखकर दुकान में अपने पैसे फूंकने चले जाते हैं, तो एक बार जरा यहाँ पर नजर डालिए,
क्योंकि टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप की जगह केवल टॉयलेट या किचन में नहीं होती, बल्कि इनका इस्तेमाल आपके ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट को बनाने में भी भरपूर किया जाता है। यकीन नहीं आता तो नमूना आपके सामने में, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे बियर में जरा सा लिक्विड सोप डालने के बाद जो झाग निकल कर आता है उसे देखकर इंसान तुरंत दारू के ठेके पर अपनी दारू लेने पहुंच जाता है। और जब बात कोक की आती है तो उसमें एक से बढ़कर एक तरकीबें आजमाई जाती हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बोतल खोलते ही कोक के बबल बाहर निकलने लगते हैं, और अगर आपको और ज्यादा झाग निकालना है तो बस मेंटोस की गोली डालिए और फिर देखिए कमाल। ये तो आपको भी मालूम ही होगा कि आइस क्यूब यानी कि बर्फ जल्दी पिघल जाती है, इसलिए ये लोग बार बार इसे निकालने का तामझाम करते ही नहीं। आइस क्यूब्स की तरह देखने वाले प्लास्टिक क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट ये लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के शूट कर सकें। और रोबोट्स का इस्तेमाल केवल बर्गर बनाने वाले एडवर्टाइजमेंट में नहीं होता, कोका कोला में भी भरपूर होता है। और फिर जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ इस तरह का होता है। क्यों दोस्तों, क्या आप भी कभी अपने मुरझाए गंदे से दिखने वाले बालों को चमकदार बनाने के लिए हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं? खैर छोड़िए, आप हमें अपने चमकदार बालों का राज बताएं ना बताएं, लेकिन हम आपको उल्लू बनाने वाली कंपनीज का राज जरूर बताएंगे, क्योंकि जिस हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को चमकदार बनाते हैं उसी हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े ब्रांड्स फल सब्जियों को चमकदार और फ्रेश दिखाने में लगे रहते हैं। तभी तो असलियत में दिखने वाले फ्रूट्स और टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखने वाले फ्रूट्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है। घर पर हमें बासी सा दिखने वाला फ्रूट हाथ लगता है तो वहीं टीवी पर दिखाए जाने वाले फलों और सब्जियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें बस कुछ ही सेकंड्स पहले पेड़ से तोड़कर एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पर दोस्तों, बदकिस्मती से इस तरह की तरकीब केवल टीवी कमर्शियल्स में इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि आजकल तो धोखाधड़ी करने वाले लोग रियल लाइफ में भी फलों और सब्जियों में हेयर स्प्रे मारकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी को सुंदर लहराते हुए बाल पसंद है, और इस तरह के सुंदर बाल पाने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी टाइम आपके बालों को बाल बाल बचाने के लिए या फिर कह लीजिए कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए कई सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स अपने टीवी एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं, जो आपके बालों को खूबसूरत, चमकदार और मजबूत बनाने के ऐसे वादे करते हैं कि इंसान उन वादों के चक्कर में बिल्कुल खुश हो जाता है। पर भैया, आप ये भूल रहे हैं कि ये कमर्शियल एड्स की दुनिया में कस्मे वादे काम नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा खेल ग्रीन स्क्रीन और कुछ स्पेशल इफेक्ट्स का होता है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बिल्कुल हरे रंग के टाइट कपड़े पहने हुए असिस्टेंट इस मॉडल के बालों को लहराता हुआ दिखाने के लिए साइड से इसके बालों को खींचकर ऊपर की तरफ उठाते हैं, और बाद में वीडियो एडिटिंग की मदद से इन लोगों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन मोहतरमा के बाल वाकई में इतने सिल्की हो गए कि उड़ने लग गए। पर असली सच तो आपके सामने है भाई। और कारिस्तानी केवल बालों को उड़ता हुआ दिखाने में नहीं होती, बल्कि उन्हें लंबा दिखाने में भी होती है, जहां इन मॉडल्स के बालों में नकली एक्सटेंशन लगाकर इनके बालों को पहाड़ जितना लंबा दिखा दिया जाता है, जबकि असल में इनके बाल कितने छोटे होते हैं वो तो हम और आप बड़े अच्छे से जानते ही हैं। वैसे तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज का कहना है कि वो लोग इस तरह के कमर्शियल्स केवल लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बनाते हैं, पर असली सच तो हमें भी मालूम है कि खेल केवल गांधी जी के नोटों का है, जिसे पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारा चैनल फैक्ट मंत्रा अपने दोस्तों यारों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।